गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ विजय गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की क्लास में आज एक बार फिर से टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आए हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा को। हम सभी जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा की एनिमल किंगडम चैप्टर के अंतर्गत। आपने एक के बाद एक फाइलम्स को पढ़ा, प्रोटोजोआ से लेकर, और हमने बात कर ली ऑर्थ्रोपोडा तक की। आज नॉन कॉर्डेटा के लास्ट फाइलम की बात होने जा रही है, जो कि है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इकाइनोडर्मेटा फाइलम में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन को, इसके बाद बात होगी इस फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स की, और इसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर की, जिसका नाम है स्टारफिश या स्टारियस, हिंदी में जैसे हम सितारा मछली या स्टारफिश के नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इकाइनोडर्मेटा। ये जो शब्द इकाइनोडर्मेटा है, इसका क्या मतलब होता है? तो आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है GR। हमेशा की तरह ज्यादातर आपने देखा कि हमारी बायोलॉजी के अंदर जर्मन भाषा के शब्द होते हैं, जिसके लिए हमने यहां पर वर्ड यूज किया है GR। तो जर्मन भाषा का वर्ड है इकाइनोज, मीन्स स्पाइनी यानी के कांटेदार, और दूसरा शब्द है डर्मेटोज यानी के स्किन। ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन कांटेदार यानी स्पाइनी त्वचा होती है, स्पाइनी स्किन होती है, उसे हम कहते हैं इकाइनोडर्मेट्स। यानी कि इस शब्द में हमने देखा कि दो वर्ड्स हो गए, इकाइनोस और डर्मेटोज। इकाइनोस का मतलब स्पाइनी यानी कि कांटेदार, और डर्मेटोज का मतलब स्किन यानी कि त्वचा। तो द एनिमल बियरिंग स्पाइनी स्किन, ऐसे एनिमल्स जिनकी त्वचा कांटेदार होगी, उन्हें हमने रखा हुआ है फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। इसके बाद अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अबाउट 7000 लिविंग स्पीशीज। लिविंग स्पीशीज का मतलब है कि जो पृथ्वी पर मौजूद हैं, आज भी जिंदा हैं, उन्हें हम लिविंग स्पीशीज बोल रहे हैं। और इस फाइलम की कई सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो चुकी हैं, आज नहीं है, तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है अबाउट 7000 लिविंग स्पीशीज। जैकब क्लीन, एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है आपको, जैकब क्लीन coined the term in 1738। ये जो टर्म है, ये जो शब्द है इकाइनोडर्मेटा, ये दिया हुआ है एक वैज्ञानिक का जिनका नाम है जैकब क्लीन, और इन्होंने ये शब्द 1738 में दिया। इसके बाद आपको बताया गया एक अगले साइंटिस्ट का नाम, दैट इज ल्यूकार्ट। ल्यूकार्ट ने 1847 establish the phylum। इस फाइलम की जो स्थापना है इकाइनोडर्मेटा की, वो की गई है ल्यूकार्ट के द्वारा 1847 में। मतलब नाम पहले ही आ गया, जो कि जैकब क्लीन के द्वारा 1738 में दिया गया, और इसके बाद जो फाइलम को एस्टैब्लिश करने का काम है वो ल्यूकार्ट ने किया है, और वो किया है 1847 में। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स की। तो जनरल कैरेक्टर्स, जैसा कि पीछे से हमने कई सारे फाइलम से पढ़े हैं, तो कई सारे पॉइंट्स तो वही कॉमन है, बट कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो पिक्यूलियर हैं। पिक्यूलियर का मतलब विभेदक लक्षण है। पिक्यूलियर कैरेक्टर का मतलब होता है ऐसा लक्षण जो केवल उसी फाइलम में पाया जाए। तो मैंने कोशिश की है एनसीईआरटी के सिलेबस में जो भी पिक्यूलियर कैरेक्टर्स हैं आपके इस फाइलम के, जो भी विशेष लक्षण हैं, उनको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। ये मुख्य रूप से मैराइन यानी कि समुद्री जंतु होते हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले जो भी एक्वाटिक एनिमल्स थे, जलीय जंतु थे, वो फ्रेश वाटर में भी हो रहे थे, मतलब नदी तालाब में भी पाए जा रहे थे, और मैरीन वाटर यानी कि समुद्र जल में भी पाए जा रहे थे। लेकिन ये एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ मैरीन वाटर में होते हैं, यानी केवल समुद्र में पाए जाने वाले हैं। तो ये इसका एक पिक्यूलर कैरेक्टर यानी कि विभेदक लक्षण हुआ। नेक्स्ट इज दे आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। जैसा कि मैंने अभी ऊपर मेंशन किया था कि इनकी स्किन पर स्पाइंस यानी कांटे पाए जाते हैं, आप देख भी सकते हो यहाँ पर मैंने स्टारफिश को बनाया हुआ है, इसकी स्किन पर आप देख रहे हैं स्पाइंस यानी के कांटे पाए जा रहे हैं। तो आपने लिखा दे आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, ये कांटेदार त्वचा वाले जंतु होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये वर्ड पहले कई बार आ चुका है। ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिस्तरीय, व्हेन द एनिमल्स हैव थ्री जर्म लेयर्स, जब किसी एनिमल में तीन जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, तब उसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब बॉडी के अंदर जो सिमेट्री है रेडियल हो। रेडियल का मतलब हिंदी में कहेंगे पंच अरीय सममिति। आप देख सकते हो कि इसको कहीं से भी हम दो इक्वल पार्ट्स में नहीं बांट सकते। आपने देखा पीछे एक टर्म आया था, मैंने यहां पर भी बताया हुआ है उसको, आप देख सकते हो कि दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। पहले मैं पॉइंट को पूरा कर दूं, रेडियली सिमेट्रिकल लार्वा विद बायलैटरल सिमेट्री, मतलब
जो एडल्ट होते हैं काइनोडर्मेटा के, उनकी बॉडी में रेडियली सिमेट्री होती है, और जो लार्वा होते हैं वो कैसे होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री वाले। तो यहाँ पर आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं क्लियर करता हूँ कि अगर किसी एनिमल को बीच से कट करें और दोनों तरफ दो इक्वल पार्ट मिलें तो हम कहेंगे ये सिमेट्री बायलैटरल है। तो इनके लार्वा कैसे होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री वाले। लेकिन अगर किसी को बीच से काटने पर दोनों तरफ दो समान भाग नहीं मिलते तो हम कह सकते हैं कि जो सिमेट्री है वो बायलैटरल नहीं है, और वो सिमेट्री कैसी कहलाएगी, रेडियल सिमेट्री कहलाएगी। इससे पहले ये सिमेट्री मैंने बताई थी आपको फाइलम सिलेंट्रेटा में। तो सिलेंट्रेटा और उसके बाद आ गया फाइलम इकानोडर्मेटा। इनमें जो एडल्ट होता है, एडल्ट आपने लिखा कि द ट्रिपल ब्लास्टिक रेडियली सिमेट्रिकल, एडल्ट हमेशा रेडियली सिमेट्रिकल होगा, एंड द लार्वा विद अ बायलैटरल सिमेट्री, और लार्वा कैसा होगा, बायलैटरल सिमेट्री वाला होगा। नेक्स्ट टर्म है सीलोमेट्स। जैसे कि आपने देखा कि जिनकी बॉडी में ट्रू कैविटी यानी वास्तविक देहगुहा होती है उन्हें हम कहते हैं सीलोमेट्स। ये बात आपको पीछे भी बताई गई कि जैसे ही एनलेडा फाइलम शुरू हुआ उसके बाद सारे एनिमल्स कैसे कहलाते हैं, सीलोमेट्स कहलाते हैं। मीन्स दे कंसिस्ट ऑफ ट्रू सीलोम, इनमें वास्तविक सीलोम पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेड इज एब्सेंट। आप देख सकते हो स्टार फिश में कि आपको हेड अलग से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हेड नहीं होता, इन मेंबर्स में हेड एब्सेंट होता है। बॉडी अनसेगमेंटेड, बॉडी में सेगमेंट्स यानी के खंड नहीं होते, तो बॉडी कहलाई अनसेगमेंटेड विद ओरल एंड एबोरल सरफेस। ये पॉइंट ध्यान से समझने वाला है कि व्हाट इज द मीन ऑफ ओरल एंड व्हाट इज द मीन ऑफ एबोरल। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लीजिए हमने कहा ये स्टार फिश है, तो एक इसकी डॉर्सल साइड होगी और एक इसकी वेंट्रल साइड होगी। डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड में से जो वेंट्रल साइड है वहां पर माउथ होगा, तो जहां माउथ होगा उसी को हम कहेंगे ओरल सरफेस, और माउथ के साइड वाली जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसे कहेंगे एबोरल सरफेस। तो आप इसे वेंट्रल सरफेस कह सकते हैं, आप इसे ओरल सरफेस कह सकते हैं, क्योंकि इस पर माउथ पाया जा रहा है, और इसके अपोजिट वाली क्या होगी, डॉर्सल सरफेस होगी, और उसी को हम कहेंगे एबोरल सरफेस। अब याद रखने वाली बात क्या है कि ओरल सरफेस पर माउथ होगा और ओरल सरफेस जिसे हम वेंट्रल सरफेस कह रहे हैं वहां पर माउथ होगा, और जो दूसरी सरफेस है एबोरल सरफेस वहां पर एनस होगा, यानी यहां माउथ है और यहां एनस है। इस बात को मैं आपको एक रियल स्टार फिश में भी दिखाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास एक म्यूजियम स्पेसिमेन है स्टार फिश का, आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है स्टार फिश। तो इस स्टार फिश में देखिए, जो आप इधर से एक व्यू देख पा रहे हो और एक व्यू इसका आप पीछे से देख पा रहे हो, तो जो ये वाला व्यू है इधर से, ये इसकी एबोरल सरफेस है, और इसका जो पीछे वाला व्यू आप देख रहे हो वो इसकी ओरल सरफेस है। तो माउथ कहाँ पर होगा, ओरल सरफेस पर होगा, और एनस कहाँ पर होगा, एबोरल सरफेस पर होगा। तो आई होप आपको ये दोनों सरफेसेस क्लियर हो गई होंगी, दिस इज द एबोरल सरफेस एंड दिस इज द ओरल सरफेस, एंड माउथ ऑलवेज फाउंड ऑन द ओरल सरफेस। तो बॉडी में दो सरफेसेस हैं, ओरल और एबोरल सरफेस। इसके बाद आपको बताया गया कि द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है मतलब इसमें दो ओपनिंग है, एक माउथ है और एक क्या है, एनस है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, और इनमें खास बात क्या है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें नहीं पाया जाता इन मेंबर्स में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा पिक्यूलर कैरेक्टर है, द एन आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्मेट्स इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इकाइनोडर्मेट्स में एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि जल संवहन तंत्र, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है यानी गमन में, फीडिंग भोजन को ग्रहण करने में, रेस्पायरेशन श्वसन करने में, एंड एक्सक्रीशन और उत्सर्जन करने में। अब ये पॉइंट मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या है ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए स्टारफिश जो होती है या जितने भी मेंबर्स इकानोडर्मेटा के हैं, इनकी बॉडी के अंदर कैनाल्स का एक सिस्टम होता है, नालियों का एक तंत्र होता है जिसे कहते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम, और बाहर से उसमें पानी आता है, उन कैनाल्स के अंदर पानी भर जाता है और बॉडी की सारी क्रियाओं को पूरा करता है। जैसे कि जो बाहर से पानी आ रहा है वो O2 लेकर आएगा, तो रेस्पायरेशन भी हो गया, बाहर से जो पानी बॉडी के अंदर भर रहा है उसमें फूड पार्टिकल्स भी होंगे तो न्यूट्रिशन भी हो गया, बॉडी के जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं, बेकार के उत्सर्जी पदार्थ हैं, वो उसी पानी के साथ बाहर जा रहे हैं। तो हमने कहा कि एक तरीके से यहाँ पर आपने देखा एक्सक्रीशन भी हो गया, और एक पॉइंट लिखा हुआ है लोकोमोशन, ये मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। स्टारफिश के इस डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक पोर है मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट
एबोरल सरफेस पर पाया जाने वाला एक छिद्र होता है, एक प्लेट जैसी होती है जिसके द्वारा पानी अंदर जाता है। और जैसे ही पानी अंदर जाता है, बॉडी के अंदर कई सारी कैनाल्स होती हैं, उनमें जाकर पानी भर जाता है। और फाइनली आप देखिए इसकी इस सरफेस पर, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसकी इस आर्म को पलट दिया है दूसरी तरफ की सरफेस दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ट्यूब फीट, यानी कि जो इसकी ओरल सरफेस होती है वहाँ पर छोटे छोटे ये जो फीट जैसे लगे हैं ये ट्यूब फीट हैं। जो पानी मैट्रिपोराइट से अंदर भरा था वो कई कैनाल से गुजरता हुआ आकर भर जाता है ट्यूब फीट में। और ट्यूब फीट में पानी भरने से क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाता है। यानी कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम और ट्यूब फीट मिलकर ही लोकोमोशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बाकी डिटेल के लिए जब मैं स्टारफिश पर अलग से वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जनरल कैरेक्टर्स की, तो आपको यहाँ बहुत डीप नहीं जाना है। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि इस फाइलम में एक विशेष प्रकार का लक्षण है, कैरेक्टर है, कि इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम या जल संवहन तंत्र पाया जाता है जिसके द्वारा पानी अंदर भरता है और बॉडी की अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे लोकोमोशन को, फीडिंग को, रेस्पायरेशन को और एक्सक्रीशन को पूरा करता है। इसके बाद लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो लोकोमोशन होता है उसके लिए यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, ट्यूब फीट्स पाए जा रहे हैं, नाल पाद जिन्हें हिंदी में कहते हैं। तो ट्यूब फीट्स की सहायता से ही लोकोमोशन होता है क्योंकि मैट्रिपोराइट से जो पानी अंदर आया था वो फाइनली आकर कहाँ भर जाता है, ट्यूब फीट में। इसलिए ट्यूब फीट रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकोमोशन के लिए। इसके बाद आपको बताया गया कि सेंस ऑर्गन्स आर पुअरली डेवलप्ड, मतलब इनके सेंस ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, दे आर पुअरली डेवलप, काफ़ी कम विकसित होते हैं इनके संवेदी अंग। नेक्स्ट इज दे आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब हम सभी जानते हैं कि व्हेन द मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, जब मेल अलग है फीमेल अलग है, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल, तो दे आर यूनिसेक्सुअल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है बाह्य निषेचन, मतलब क्या हुआ कि जो मेल फीमेल होते हैं वो अपने स्पर्म और ओवा पानी में छोड़ देते हैं। अब आप सपोज करें मैंने आपसे कहा कि ये एक स्टारफिश है जो कि मेल है, ओके, और इस तरीके से इसके पास में एक दूसरे स्टारफिश मैंने कहा और मैंने कहा आपसे ये फीमेल है, तो मेल ने कई सारे स्पर्म्स पानी में छोड़ दिए, दीज आर द स्पर्म्स, और इसी तरीके से फीमेल ने क्या किया, कई सारे ओवा पानी में छोड़ दिए। तो मेल के जो स्पर्म्स हैं, दीज आर द स्पर्म्स रिलीज्ड बाय द मेल, ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है, और दीज आर द ओवा रिलीज्ड बाय द फीमेल। तो मेल और फीमेल ने अपने जो स्पर्म और ओवा पानी में छोड़े, ये स्पर्म पानी में ही ओवा के पास जाकर इन्हें फर्टिलाइज कर देंगे। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर हो रहा है उसे हम कहेंगे कि वो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और अगर स्पर्म बॉडी के अंदर जाते वहां पर फर्टिलाइजेशन होता तो हम कहते इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। आपको बताया गया है कि जब कभी भी अंडे से निकलकर बनने वाला जीव लार्वा के फॉर्म में होता है उसके बाद वो एडल्ट बनता है तो हम कहेंगे कि ये डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट, लेकिन अगर वो एडल्ट के जैसा ही दिखाई दे केवल आकार में छोटा हो तो हम कहेंगे डेवलपमेंट डायरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है थ्रू फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेजेस, मतलब जो फर्टिलाइज एग होंगे उनसे पहले लार्वा बाहर आएगा और वो लार्वा डेवलप होने के बाद में एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया, सॉरी डेवलपमेंट कैसा हो गया, इनडायरेक्ट हो गया क्योंकि लार्वा बन रहे हैं, और कैसे हो रहा है, थ्रू प्री स्विमिंग लार्वल स्टेजेस, यानी स्वतंत्र रूप से तैरने वाले लार्वा के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इकानोडॉर्म्स हैव अ रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन पुनरुद्भवन, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था फाइलम सिलेंट्रेटा में भी कि अगर इनकी बॉडी के अंदर कोई टूट फूट होती है, मान लीजिए सपोज करें कि कोई पार्ट इनकी बॉडी का टूट गया तो क्या होता है कि वो पार्ट फिर से डेवलप हो जाएगा। री माने होता है दोबारा और जनरेट माने होता है उत्पन्न हो जाना, रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन, कोई भी चीज़ जो दोबारा बन जाए हम कहेंगे ये रीजनरेट हो रही है। तो रीजनरेशन का मतलब है कि इनकी बॉडी का अगर कोई पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो वो दोबारा से डेवलप हो जाता है। एक पॉइंट मिस हो गया यहाँ पर जो मैंने नहीं बता पाया आपको, उस पर बात कर लेते हैं।
अ कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट. कैलकेरियस का मतलब कैल्शियम का बना हुआ, एंडोस्केलेटन का मतलब अंतः कंकाल इज प्रेजेंट पाया जाता है. इनकी बॉडी के अंदर क्या है, एक कैलकेरियस एंडोस्केलेटन है, मतलब बॉडी के अंदर अंतः कंकाल है इन द फॉर्म ऑफ ऑसिल्स, सॉरी ऑसिकल्स. ऑसिकल्स का मतलब होता है समथिंग हार्ड एंड बोन लाइक, कुछ ऐसा जो कठोर और हड्डी के जैसा हो. एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारा ईयर होता है, हम सभी जानते हैं कि हमारे ईयर में तीन ऑसिल्स पाई जाती हैं. दीज आर इनकस, मैलियस एंड स्टेपीज. और स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट ऑसिकल ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कान में पाई जाने वाली स्टेपीज. तो वहाँ पर भी हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑसिकल्स, तो ऑसिकल्स का मतलब स्मॉल बोन्स. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट, इनमें एक कैल्शियम का बना हुआ एंडोस्केलेटन है इन द फॉर्म ऑफ ऑसिकल्स, जो कठोर है, हड्डी के जैसा है, बियरिंग प्रोटेक्टिव स्पाइंस, और उस पर कांटे पाए जाते हैं. आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि रियल स्टारफिश में भी आप देख सकते हो कि ये छोटे छोटे आपको स्पाइंस यहाँ पर नजर आ रहे होंगे. तो ये जो छोटे छोटे कांटे हैं, ये कैसे हैं, कैलकेरियस हैं, और ये क्या कर रहे हैं, बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं. तो एक कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन भी है और एंडोस्केलेटन भी आपको यहाँ पर दिख रहा है. इसके बाद हमने बात की है कुछ एग्जाम्पल्स की, जिनमें है सी कुकम्बर, जिसे होलोथोरिया भी कहते हैं, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन्स, और पेंटोसोरॉस, जो कि एक प्रकार का सी स्टार होता है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे मेंबर्स बिलोंग करते हैं फाइलम इकांडरमेटा को. अब लास्ट में हम बात करेंगे, यहाँ पर स्टार फिश का डायग्राम बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी जनरल बातें. स्टार फिश को हम एस्टेरियस भी कहते हैं, और ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो डॉर्सल सर्फेस का है, जिसे आप एबोरल सर्फेस भी कहते हो. जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर किया कि माउथ की तरफ क्या होती है, ओरल सर्फेस होती है, और एनस की तरफ क्या होती है, एबोरल सर्फेस होती है. तो ये डायग्राम हमने बनाया है एनस की तरफ से, यानी ये इसका एबोरल व्यू है या डॉर्सल व्यू है. अब आप देखिए कि बॉडी में एक पेंटामेरस सिमेट्री दिख रही है आपको, रेडियल सिमेट्री दिख रही है आपको, पंच अरी सममित पांच भागों में बटा हुआ है. दीज आर द ओरल आर्म्स. माउथ के चारों तरफ से आर्म निकले हैं, इसलिए इनको आपने कह दिया ओरल आर्म्स. इसके अलावा बॉडी पर आप देख सकते हो चारों तरफ स्पाइंस पाए जा रहे हैं, जो इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक प्लेट जैसी दिख रही है, जिसे हमने कहा है मैड्रिपोराइट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत मैड्रिपोराइट आता है, और इसी के द्वारा वाटर अंदर जाता है. फिर आप देखिए यहाँ पर एबोरल सरफेस पर पाया जा रहा है एनस, और ये जो गोल एरिया आप देख रहे हो यहाँ पर, इसे हम कहते हैं सेंट्रल डिस्क. तो ये स्टारफिश का डायग्राम है. यहाँ पर एक चीज़ और मैंने दिखाने की कोशिश की है, मैंने इसके एक आर्म को पलट दिया है थोड़ा सा, जिससे हमने इसके नीचे वाली सरफेस पर या वेंट्रल साइड पर या ओरल साइड पर जो ट्यूब पीट्स पाए जा रहे हैं उनको भी दिखाया है. आप देख सकते हो यहाँ पर दो रोज लगी हैं ट्यूब पीट की, और ट्यूब पीट जो होते हैं वो बताया गया था आपको किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, कि लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब पीट. तो ये था स्टारफिश का एक जनरल आउटलाइन. तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जितना कि मैंने आपको बताया फाइलम इकांडरमेटा के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन को, इसके जनरल कैरेक्टर को, और स्टारफिश के डायग्राम को. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि यहाँ पर हमारे एनिमल किंगडम का जो नॉन कॉर्डेटा का पार्ट है वो पूरा हो गया है. अब इसके बाद जो अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा वो किसी दूसरे टॉपिक पर, दूसरे चैप्टर पर होगा. ज़्यादातर मैंने कमेंट सेक्शन में जो टॉपिक्स लोगों ने मेंशन किए हैं, जिनमें आपको कन्फ्यूज़न होती है, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस जो अगले मैं लेकर आऊँ, अगली सीरीज़ जो मैं लेकर आऊँ, वो उन्हीं टॉपिक्स पर हो. इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.